झरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा दसवीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के डायरी का एक पन्ना से संबंधित प्रश्नोत्तरों को। और आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने कक्षा दसवीं के लिए व्याकरण, रस छंद, अलंकार, काव्य के भेद आदि से संबंधित वीडियोज भी बनाए हैं। आप उसे झरोखा चैनल पर खोज सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायरी का एक पन्ना गद्य रचना के प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1939 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका उत्तर है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1939 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस दिन वे महात्मा गांधी के द्वारा घोषित आजादी की दूसरी वर्षगांठ को मनाना चाहते थे। प्रश्न दूसरा, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? उत्तर है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार अर्थात जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी। और अब प्रश्न तीसरा, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका उत्तर है कि विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर यह प्रतिक्रिया हुई कि पुलिस ने अविनाश बाबू को गिरफ्तार कर लिया और अन्य लोगों को मारपीट कर वहां से भगा दिया। और अब प्रश्न चौथा, लोग अपने अपने मकानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर क्या संकेत देना चाहते थे? तो इसका उत्तर है कि लोग यह संकेत देना चाहते थे कि वे आजादी चाहते हैं, इसके लिए वे तन मन से पूरी तरह समर्पित हैं। और अब प्रश्न पांचवा, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? तो उत्तर है, पुलिस ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वहां पर आजादी की भावना से ओतप्रोत लोग जमा न हो सके। और अब है का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न पहला जो है वो इस प्रकार है, 26 जनवरी 1939 को अमर बनाने के लिए अनेक प्रकार की तैयारियां की गई थी, जैसे आयोजन को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमा करने की योजना बनाई गई थी, गली मोहल्लों में सजावट की गई थी, लोगों ने अपने घरों पे झंडे भी फहराए थे। ये प्रश्न पहले का उत्तर है। और अब प्रश्न दूसरा, आज जो बात थी वह निराली थी, किस बात से पता चल रहा है कि आज का दिन निराला था, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, आज का दिन निराला था या इस बात से पता चल रहा था कि लोगों में बहुत उत्साह था, हर पार्क तथा मैदानों में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और पुलिस का भय भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। प्रश्न तीसरा, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर है कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में यह अंतर था कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस सभा और आजादी के जश्न को रोकने के लिए जारी किया गया था, जबकि काउंसिल अर्थात नगर पालिका का नोटिस लोगों को आह्वान कर रहा था कि वे भारी संख्या में आए और आजादी का जश्न मनाएं। प्रश्न चौथा, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? उत्तर है, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि पुलिस ने वहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और लाठी भी चलाई थी। जुलूस के कुछ लोग तो आगे बढ़ने में सफल हो गए थे परंतु कुछ लोग पीछे ही रह गए। और प्रश्न पांचवा, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखभाल तो कर ही रहे थे, उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे, फोटो उतरवाने की क्या वजह हो सकती है? उत्तर है कि डॉक्टर दास गुप्ता ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि घायलों के फोटो और समाचार विभिन्न अखबारों में प्रकाशित कराए जा सके और इससे
पुलिस की बर्बरता को उजागर किया जा सके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्वाधीनता संग्राम को प्रचार दिलाया जा सके। और अब है ख, जिनमें हमको प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों के बीच में देना है। इसमें प्रश्न पहला है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? उत्तर है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुभाष बाबू को तो शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तब स्त्रियों ने ही जुलूस को आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मा स्वयं पर ले लिया था। धर्म तल्ले के मोड़ पर 50-60 स्त्रियों ने धरना दिया, लगभग 105 स्त्रियां गिरफ्तार भी हुई थी। और दूसरा प्रश्न है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? तो इसका उत्तर है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की यह दशा हुई कि पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई, बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लोगों को तितर बितर कर दिया गया और बाद में जुलूस भी समाप्त हो गया। और अब प्रश्न तीसरा, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा तो कहना चाहिए एक ओपन लड़ाई थी, यहां पर कौन से और किसके कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, संदर्भित कथन में अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों को भंग करने की बात कही गई है। हाँ, कानून भंग करना पूरी तरह से उचित था, क्योंकि जो अंग्रेज विदेशी थे और हमारे देश में व्यापारी बनकर आए थे, उन्हीं ने हमें गुलाम बना रखा था। इस तरह उनका शासन और कानून मानना गुलामी को ही मानने के बराबर था। और अब प्रश्न चौथा, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है, आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? तो इसका उत्तर है कि बहुत से लोगों के घायल होने और जेल चले जाने के बाद भी यह दिन अपूर्व इसलिए है क्योंकि लोगों ने निर्भयता के साथ आजादी के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया था, वे स्वतंत्र होने की भावना से परिपूर्ण हो गए थे, लाठियां खाने और जेल जाने के लिए भी उनमें कोई हिचक ना थी, वे तैयार थे। और अब गा है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है, बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, आज बहुत अंश में वह धुल गया। उत्तर है आशय, इसका आशय यह है कि उस सभा के पहले तक कलकत्ता में कभी लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया था, इस कारण से कुछ लोग हमेशा कलकत्ता पर यह आरोप लगाया करते थे कि वहां के लोग स्वाधीनता से प्रेम नहीं करते, पर उस दिन जैसा जोश और संघर्ष दिखाई दिया उसने कलकत्ता का नाम भी स्वाधीनता आंदोलन में रोशन कर दिया था। और अब दूसरा है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी? तो उत्तर है कि इसका आशय यह है कि पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बावजूद काउंसिल ने कार्यक्रम की सूचना जारी करके तथा कलकत्ता के लोगों ने बड़ी संख्या में उसमें अपने आप को शामिल करके अंग्रेजों को एक गंभीर चुनौती दे दी थी। स्त्रियां भी सबसे आगे रहकर खुद जुलूस निकाल रही थीं, जरा सा भी भय किसी के मन में भी नहीं था। तो यह थी सीताराम सिकसरिया जी की गद्य रचना डायरी का एक पन्ना पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों वाला हिस्सा। अगली बार हम सीताराम सिकसरिया जी का जीवन परिचय करेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो
तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, हमें उसका उत्तर देते हुए खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।